मैकलेन सर, रिस्पेक्टेड डॉक्टर योगेश नायर जो अहमदाबाद टीम के यहाँ पर ऑनर है, कैप्टन कृष्णा और पुष्पा मैम जो मुंबई टीम के ऑनर है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए डॉक्टर पुष्पलता मैम और कैप्टन कृष्णा सर सभी को मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अभी कुछ ही मिनट में किया जाएगा, तो सभी जो गेस्ट है उनके हाथों से यहाँ पर ये प्राइज दिया जाएगा। सभी जो हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन्स हैं सबको मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। पहला यहाँ पर प्रेजेंटेशन होने जा रहा है जो लेडीज मैच का फाइनल हुआ था, प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब उस मैच में जिसने अच्छा परफॉर्म किया वो है प्रियंका, उसको मैन ऑफ द मैच का यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है। लेडीज मैच का यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। गर्ल्स टीम का जो कैप्टन है उसने अच्छा परफॉर्म किया प्रियंका, उसको यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद गर्ल्स टीम का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज प्रियंका गोलीपकर, 81 रन, स्ट्राइक रेट था उसका 238.24 और बेस्ट उसने 50 भी इस टूर्नामेंट में जड़ी थी। अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग भी उसने ओवरऑल परफॉर्मेंस दिया। अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। उसके बाद यहाँ पर रनर अप गर्ल्स टीम का, यहाँ पर जो दो टीम यहाँ पर फाइनल में आए थे, एक थी अहमदाबाद और दूसरी थी मुंबई, और यहाँ पर अहमदाबाद टीम ने यहाँ पर सेकेंड प्राइज मतलब रनर अप प्राइज यहाँ पर जीता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अहमदाबाद टीम के कैप्टन को, प्लीज आप ये रनर अप ट्रॉफी और यहाँ पर ये प्राइज रिसीव करने के लिए आइए। क्लैप एवरीवन, हार्ड लक टू अहमदाबाद टीम, नेक्स्ट टाइम दे विल डेफिनेटली विन द फाइनल। यहाँ पर अभी फाइनल टीम, फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट, और ये फाइनल जो जीती है वो टीम का नाम है मुंबई। तो मुंबई टीम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, माय टीम एवरेज मुंबई, सभी प्लेयर्स को यहाँ पर ये प्राइज लेने के लिए आप अभी उसके बाद जो बॉयज टूर्नामेंट था उनका यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फर्स्ट मैं अनाउंस करता हूँ फाइनल फाइनल मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच का प्राइज जाता है। गेस कीजिए कौन रहेगा मैन ऑफ द मैच, जिसने अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की। प्रकाश पराड़कर मैन ऑफ द मैच, इस फाइनल मैच का यहाँ पर मैच विनर परफॉर्मेंस उसने दिया है। मैं प्रकाश को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये प्राइज लेने के लिए यहां पर बिग क्लैप फॉर प्रकाश, अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, ऑल ओवर परफॉर्मेंस उसके टीम से और उससे यहां पर हमें नजर आया।
उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बॉयज के टीम का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गर्ल्स टीम को, प्लीज फोटो सेशन बाद में कीजिए, प्लीज वेट कीजिए दो मिनट के लिए। प्लीज गर्ल्स अहमदाबाद टीम, प्लीज रिक्वेस्ट है आपको, फोटो सेशन बाद में कीजिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अभी बाकी है, प्लीज होल्ड ऑन गर्ल्स। 73 रन पूरे टूर्नामेंट में और यहाँ पर 5 कैचेस, लगभग 6 विकेट जिसने लिए वो बैट्समैन बॉलर है प्रकाश पराड़कर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से भी इसको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चीफ गेस्ट सभी हमारे जो मेहमान हैं उनके हाथों से यहाँ पर प्रकाश को यहाँ पर प्राइज दिया जा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रकाश। उसके बाद रनर अप टीम, फाइनल हालांकि दो ओवर में खत्म हुआ लेकिन अच्छा फाइट किया अहमदाबाद टीम के कैप्टन को। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रनर अप ट्रॉफी लेने के लिए आप यहां पर आइए, अहमदाबाद टीम कैप्टन प्लीज कम फॉरवर्ड। स्काई वॉरियर्स अहमदाबाद टीम का कैप्टन यहां पर डॉक्टर योगेश नायर, इनके यहां पर टीम ऑनर थे उनके, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। मैं पूरे टीम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि फोटो के लिए आप यहाँ पर आइए, एक यहाँ पर खूबसूरत ट्रॉफी देकर उन्हें वहां पर सम्मानित किया जा रहा है। अभी फाइनल ट्रॉफी, जिस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया इस पूरे टूर्नामेंट में, सभी मैच लगभग जिन्होंने जीत हासिल की, सभी मैच विन किए, वो है मुंबई टीम, माइटी किंग्स मुंबई। और ये ट्रॉफी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रिस्पेक्टेड इंडियन क्रिकेट बैच के चेयरमैन नीरज धीर सर को कि आप सभी मेहमानों के हाथों से ये ट्रॉफी यहाँ पर इस टीम को, मुंबई टीम को यहाँ पर दी जाए। अभिषेक मुंडकर और उनके पूरे टीम यहाँ पर प्रेजेंट है, सभी हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑफ ऑनर, सभी मेहमान, सभी यहाँ पर टीम ऑनर, डॉक्टर योगेश नायर सर, कैप्टन कृष्णा सर, डॉक्टर पुष्पा मैम, सभी यहाँ पर हमारे मेहमान, उनके हाथों से यहाँ पर ये दिया जा रहा है। चंदू जी वाधवा सर, रिक मैकलेन सर, सुरेश अलवार जी, एकता मैम, नीरज धीर, संजय जी उपाध्याय, सभी यहाँ पर मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर एक मिनट के लिए मैं धीरज सर के पास यहाँ पर माइक देता हूँ। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर का, विश्वजीत सर का, थैंक यू रिक, चंद्रू सर का, कैप्टन सर, सुभाष सर, योगेश सर और सारे टीम का, सारे बच्चों का जो यहाँ पे आए, हेमराज सर हैं दिल्ली के ओनर, सबका थैंक यू। एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ होने वाला है जो रिक करने वाले हैं, जो सस्पेंस है जिसके लिए ये लीग प्लान की गई। आई विल आस्क रिक टू रिवील दैट पर्टिकुलर सस्पेंस। वेल गाइस, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, there is a big news coming up today. We are going to come up with Tennis Ball World Cup. Please clap. The first ever played to be played in Mumbai. Not in India, but in Mumbai. Right. Okay. As you can see, it is planned to be played on December 2024. To Jan 2025. Please, round of applause, please. There is one more thing. First ever World Cup tennis ball cricket is going to be held in Mumbai, December 2024. And isme jo India ki team represent hogi. 5 countries have already said yes to participate in the World Cup. And is World Cup mein
जो टीम इंडिया की रिप्रेजेंट होगी वो इंडियन क्रिकेट बैच सीजन 1 और इंडियन क्रिकेट बैच सीजन 2 के टॉप 60 बॉयज एंड टॉप 60 गर्ल्स इंडियन कैंप के लिए सेलेक्ट होंगे, जिससे फाइनल 11 इंडिया 11 में सेलेक्ट होगा जो दिसंबर में हेल्ड होगा, एंड दैट वुड बी लाइव इन 8 कंट्रीज। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। संजय सर यहाँ हैं, उनके ब्लेसिंग से कल से ही सेकेंड सीजन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और इस बार हम 28 स्टेट्स हैंडल कर रहे हैं और हमारी अपनी मुंबई रहेगा। तो मैं यहाँ पे हैं तो सर, जो इंटरनेशनल टेनिस क्रिकेट काउंसिल को जो मैंने टीम्स भेजी है, जो कोर टीम रहेगी इस वर्ल्ड कप कमिटी के लिए, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, वो सामने मेरे आके खड़े हो जाएं। फर्स्ट नेम इज प्याली, प्याली नीचे आ जाओ, प्याली नीचे नीचे जाओ। जो ये वो टीम है जिसका नाम ऑलरेडी इंटरनेशनल टेनिस काउंसिल को जा चुका है। सेकेंड नेम इज राजेंद्र राजम। आई वुड रिक्वेस्ट रिक टू बी अ पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर टीम्स। थर्ड नेम इज डॉक्टर योगेश नायक। फोर्थ नेम अवर वेरी रिस्पेक्टेड चंद्रकांत शिंदे जी। अनदर लेजेंड ऑफ क्रिकेट इन मुंबई अमित गोलातकर सर। एक और बहुत मोटिवेशनल पर्सन है राजेश सारंग सर। संदीप पराटकर जी, एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एंथू हमारे साथ हैं विपिन जी। विपिन जी वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट कमिटी में आप हैं। पवन जी, शत्रुघ्न सिंह सर, संतन जी, पूरा जो 8 कंट्रीज हैं जिनको लाइनअप करना है, उनसे कनेक्ट करना है, उसके लिए बहुत सारे अब्रॉड टूर्स रहेंगे, बहुत सारे कंपनी से कनेक्ट करना रहेगा। इसके लिए मेरे साथ रहेंगे हेमराज जी एंड प्रतिष्ठा मैम। एक बहुत बड़ी टीम चाहिए इसके लिए, पूरा वर्ल्ड WTC लाइव की पूरी टीम। महेश जी प्लीज कम, प्लीज कम सर, प्लीज प्लीज आइए। ऑब्वियस है, इतनी बड़ी टीम है, काम कर रहे हैं, बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे फाउंडेशन की ज़रूरत है जो उन बच्चों को लगातार पिछले कई सालों से हेल्प कर रही है। अक्षरा फाउंडेशन, अमोल जी इतनी बड़ी टीम रन कर रहे हैं, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कैप्टन मुरली कृष्णा एंड पुष्पा मैम सर, संजय सर ये टीम है जो वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट कॉर्पोरेशन को हमने भेज दी है, दे हैव अप्रूव्ड इट। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे रहेंगे वर्ल्ड कप कमिटी में जो दिसंबर में ऑर्गेनाइज होगा, और संजय सर का ब्लेसिंग्स इसमें बहुत ज़रूरी है। इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत सारा सपोर्ट है। ऑलरेडी संजय बंसोड़ सर से हम मिल चुके हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। संजय उपाध्याय जी हमारे साथ आए हुए हैं और अब सर को लगातार हम तंग करते रहेंगे
इस वर्ल्ड कप के लिए। आप देख रहे हैं ये है जो इस साल वर्ल्ड कप यहां पे कराएंगे और ये है जो उसमें खेलेंगे। कितने लोग इसमें खेलेंगे इंडिया 11 में? तो आज से अभी से हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ है और ज्यादा शुरू हो गया है। ठीक है, आप सबकी ब्लेसिंग्स, आप सबकी गुड विशेस की जरूरत है। मैं संजय सर से बोलूंगा इस वर्ल्ड कप के अनाउंसमेंट के बाद दो शब्द बोलें और हम सबको मोटिवेट करें। सर, संजय सर, इतने बड़े आयोजन की शुरुआत से आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिला है, अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं और ये टूर्नामेंट का आयोजन शानदार हो, मुंबई के प्लेयर्स इंडिया 11 में रहे और हम इंडिया 11 शानदार परफॉर्मेंस भी करें। मैं तो कहूँगा पहला वर्ल्ड कप ये इंडिया की टीम को मिले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनके हर एक सदस्य को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जो उनके सामने टास्क है कि इस टूर्नामेंट को एस्टेब्लिश करना, ईश्वर आप सबको शक्ति दे कि आप सही दिशा में काम करें। और जिस प्रकार का आज मैच देखा, मुझको लगता है कि ये टूर्नामेंट आने वाले समय में याद भी रखा जाएगा और वो खिलाड़ी जो सीजन नहीं खेल रहे लेकिन टेनिस में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके लिए इस टीम का भाग बनना एक सपना होगा और वो उसके लिए मेहनत भी करेंगे और इसमें अपना स्थान भी पाएंगे और उसके कारण भी रोजगार बोले, एम्प्लॉयमेंट बोले, इस दिशा में भी आगे बढ़ेगा। मुझसे जो अपेक्षा है वो पूरा करने की कोशिश करूंगा, मैंने पहले ही उनको कहा। और एक बार फिर से आप सभी को शुभ रात्रि और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिरीष उपाध्याय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो आज अवेलेबल नहीं है पर वो लगातार हमारे साथ सपोर्ट में रहे हैं और लगातार फ़ोन पे डॉक्टर नायक से टच में रहे, तो उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा उनके सपोर्ट और उनके गुड विशेस के लिए। थैंक यू, थैंक यू।